हेलो एंड वेलकम टू एंजल्स रसोई। आज हम गुड़ वाली मीठी सेवइयां बना रहे हैं। मैं मोटी सेवइयों के बजाय बारीक सेवइयां ले रही हूँ, क्योंकि इससे ये डिश काफ़ी अच्छी बनती है। कभी भी अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो इसे हम 5-6 मिनट में बड़े आराम से बना सकते हैं और सभी को ये टेस्टी भी लगेगी। इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो इस तरह है। सबसे पहले एक पैकेट यानी कि 100 ग्राम्स सेवइयां लेंगे, फिर इनको छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। एक नॉनस्टिक पैन में 1 स्पून देसी घी को अच्छे से गर्म करेंगे। अब सारी सेवइयों को इसमें डाल के अच्छे से रोस्ट करेंगे। रोस्ट करते हुए फ्लेम को लो ही रखना है। अच्छी तरह रोस्ट होने पर इसमें 200 ml वाटर डाल देंगे, यानी कि पानी और सेवइयों की रेशो 2:1 होगी। पानी के अच्छी तरह मिक्स होने पर इसको 4 से 5 मिनट लिड लगा के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह कुक हो जाए। फ्लेम को स्लो रख के ही हम कुक करेंगे। जब ये अच्छी तरह कुक हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 5 to 6 टीस्पून जैगरी पाउडर डाल देंगे। गुड़ को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। गुड़ के अच्छे से मिक्स होने पर फ्लेम बंद कर देंगे। अब सेवइयों को हल्के हाथों से हिलाते रहेंगे ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना और खिली खिली बने। अब इसे सर्विंग प्लेट में डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करने के बाद सेंटर में फ्रेश मलाई डाल देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलना। वीडियो के नीचे दिए गए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन्स को प्रेस करना मत भूलें। और याद रहे, सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल प्रेस करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।